हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मिशन 2021 की तैयारी में लग चुके होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो मैं आज टॉपिक है जिस पर डिस्कस करने वाला हूँ वो लैंग्वेज है बीएचयू बीएड का। तो मैं पहले पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि बीएचयू जो है वो चार स्ट्रीम में बीएड कराता है, जिसमें से एक है लैंग्वेज बीएड। तो इसमें आपके मन में दो तीन क्वेश्चन रेज हो सकते हैं दैट सर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। तो उसमें पहला जो आता है जिनका ग्रेजुएशन आपको ये पता ही होगा, आई होप आप जानते होंगे कि ये जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन की बात की है। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन तीन सब्जेक्ट से जिनका ग्रेजुएशन होगा, जिनके फाइनल ईयर में तीन सब्जेक्ट होगा, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई बीएचयू बीएड लैंग्वेज। फिर बात आती है कि पेपर कितने क्वेश्चन का होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, माइनस मार्किंग क्या है। तो आइए उस पर बात करते हैं। जो टोटल क्वेश्चन होता है वो 100 का होता है, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 30-70 डिवाइडेड होगा आपको पोर्शन। जो ये 100 क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल जैसे कि 300 हो जाएगा अगर 3 मार्क्स का मैक्सिमम। जो दूसरा होगा वो आपका ये होगा 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। माइनस मार्किंग, 1 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ये जनरली सभी क्वेरीज होती है कि सर कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन, कितने माइनस मार्किंग कितनी होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है पोर्शन की, ये 30 क्वेश्चंस क्या है, 70 क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो बीएचयू बीएड का पेपर होता है उसमें जो 30 क्वेश्चन होते हैं ये कॉमन होते हैं चारों, जो अलग अलग पोर्शन से बीएचयू बीएड कराता है। 30 क्वेश्चन कॉमन क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इनमें 30 क्वेश्चन में पोर्शन जो मेनली 3 पोर्शन होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग, वन ऑफ द बेस्ट वे टू टीच, और स्टूडेंट और एक टीचर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट कैसे अपनी क्लास को लीड कर सकता है, अगर क्लास में शोर हो रहा है तो उसको किस तरीके से उन्हें शांत कराना चाहिए, गार्जियन से शिकायत कब करनी चाहिए। तो कुछ ऐसा है, ये आपको जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एनरोल हो जाते हैं हमारे कोर्स में, हम आपके नेक्स्ट वीडियोस में इस पर चर्चा करेंगे। फिर आता है एजुकेशनल सिनेरियो। एजुकेशनल सिनेरियो क्या है, शिक्षा से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो, अमेंडमेंट्स हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आप सुने होंगे, ये इस बार लागू हुई है, इससे पहले कब हुई थी, क्या चेंजेस हुआ था ये। फिर आप एक दूसरा टॉपिक आता है SSA, सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई। फिर एक आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई। तो जितने भी ये सारे शिक्षा से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, किसी न्यू बॉडी का गठन होना शिक्षा के, फिर कोई जैसे कि CBSE का गठन हुआ, NCERT का गठन हुआ, UGC का गठन हुआ, UP बोर्ड का गठन हुआ, कब हुआ, तो इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आता है टॉपिक, इसी में आप ये भी कह सकते हो कि इसी में आपको कुछ क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि अभी शिक्षा मंत्री कौन है या उस समय शिक्षा मंत्री कौन था, ऐसे क्वेश्चन। फिर जो थर्ड है वो रीजनिंग और मैथ से आता है। तो रीजनिंग मैथ से आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, जैसे इसमें टाइम एंड वर्क आ जाएगा, CIS आएगा, और कुछ अगर SCM से SCM और LCM वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, और थोड़े बहुत इतने टफ आपको नहीं होंगे। हम जान जाते हैं कि पहले इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एजुकेशनल सिनेरियो से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 5 एंड ये 5। ओवरऑल आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, 10-10 तीनों पोर्शन से हो गया है, तो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का आपसे इस पोर्शन से क्वेश्चन। दूसरी बारी आती है हमारी 70 क्वेश्चंस के बारे में, इसमें कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है, इसमें मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 पोर्शन से, पहला हिंदी है, फिर इंग्लिश है,
से आप अगर डिवाइड करेंगे बाई थ्री करेंगे तो ये 22-25 का रेशियो हमेशा रहता है। अगर इसमें 20 होगा तो दूसरे में 25 होगा, 30 हो जाएगा। तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे हम इसे 20-25 मान कर चलेंगे। जैसा कि इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत है ये ग्रामर पोर्शन होगा या लिटरेचर पोर्शन होगा, तो ये ग्रामर पोर्शन होगा और इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, अनसीन पैसेजेस होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा टफ यही बनाता है। बाकी ये सारी चीज़ें मैथ रीजनिंग आप कर लोगे और ये थोड़ा करंट सिनेरियो आप कर लोगे। तो जैसा कि अगर आप इस सिलेबस को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो आपके लिए BHU BEd एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और लैंग्वेज से आप कर सकते हैं तो एक फ्यूचर में बैकअप बन सकता है। अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MA, BEd और LLB के लिए नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल व्हाट्सएप करके अपने कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरी अच्छे तरीके से जानकारी लेने के बाद, कोर्स परचेज करने के बाद, आपकी क्लासेज जो है वो हमारे ऐप के थ्रू चलाई जाएगी। जो हमारा ऐप है उसी के थ्रू हमारी क्लासेज चलेंगी, जिसका नाम है यू पाठशाला। तो इसी के साथ आई होप आपको ये सारा मेरा जो एनालिसिस है वो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।